हेलो मैं फ्रेंड, नमस्ते और प्यार भरा सलाम। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इस तरीका का वर्कशॉप ओवरहेड क्रेन के बारे में। देख सकते हैं कि ये वर्कशॉप में इस तरीका का जो क्रेन होता है उसका फैब्रिकेशन कैसे करते हैं, यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ किस तरीका से इसका प्रोसेस होता है फैब्रिकेशन करने के लिए। और ये रिमोट से चलता है, देख सकते हैं यहाँ पर जो आदमी खड़ा है यहाँ पर हाथ में एक रिमोट लेकर के खड़ा है और इसको आगे पीछे कर सकते हैं, इससे माल उठा करके एक से दूसरे जगह लेकर जा सकते हैं। तो इसका फैब्रिकेशन कैसे करते हैं यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और देख सकते हैं यही क्रेन जो है इसमें बन रहा है, नीचे में यहां पे देख सकते हैं जो फैब्रिकेशन यहां पे किया जा रहा है, इसी तरीका का क्रेन यहां पे फैब्रिकेशन किया जा रहा है। देख सकते हैं यहां से लेकर के पूरा वहां तक ये लंबा प्लेट खड़ा करके रखा गया है और इसमें बीच बीच में ये सब प्लेट जो लगाया जा रहा है देख सकते हैं, और इसमें दो एंगल यहाँ पे लगाया गया है और नीचे भी प्लेट है। तो इसका क्या प्रोसेस होता है फैब्रिकेशन करने के लिए यही मैं आपको डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड देख सकते हैं कि सबसे पहले इस तरीका का आपको एक प्लेट जो है फैब्रिकेशन करना होता है, जिसका प्लेट मैं नंबर एक लिख दिया हूँ, साइड प्लेट 1 और साइड प्लेट 2। ये अलग अलग पार्ट में कटिंग होकर के आएगा आपको और इस तरीका से एक साथ आपको सबको जोड़ना पड़ता है। तो ये बीच बीच में जो लाइनिंग है ये इसका ज्वाइंट है और प्लेट में दोनों साइड भी मार करके इसको ज्वाइंट किया जाता है हर ज्वाइंट पे, और वो 45 डिग्री में उसका वेबल रखा जाता है। तो इस तरीका से अलग अलग पार्ट में जब प्लेट आएगा तो उसको हम ज्वाइंट कर लेंगे। और इसके बाद इसका आगे का प्रोसेस क्या है आइए देखते हैं। और ये इसमें देख सकते हैं ये वाला जो प्लेट है ये डाउन साइड का प्लेट है नीचे में जो रहेगा, और ये जो थोड़ा बड़ा रहेगा ये टॉप प्लेट है यानी कि टॉप साइड में रहेगा, और ये सब जो प्लेट है एंड में यूज होगा। सबका मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिया है कि कौन सा प्लेट कहाँ पर यूज होगा ताकि आप पहचान पाएं। और ये भी अलग अलग पार्ट में आता है तो उसको सीधा जोड़ना होता है और इसके ऊपर बीच में एक सेंटर लाइन मार करके और इसको सीधा कर लेना होता है। और उसके बाद आगे का प्रोसेस क्या है, और इसमें बीच बीच में इस तरीका का प्लेट लगता है, देख सकते हैं इस डिजाइन का रहेगा बीच बीच में, और दोनों साइड एंड में इस तरीका का भी प्लेट रहेगा थोड़ा छोटा साइज में, और इस तरीका का एंगल लगता है और एक स्क्वायर बार लगता है, जो 10 mm का स्क्वायर बार जो आता है वैसा 10 mm का स्क्वायर बार होता है, वो कहाँ पर लगता है वो भी मैं आपको बता दूंगा, और इस तरीका का एंगल लगेगा। तो ये सबका मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिया है कि कौन सा चीज कहाँ पे लग रहा है। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं जो नीचे वाला प्लेट यहाँ पे जो लगाया गया है इसमें जो स्क्वायर बार यहाँ पे ये जो रेड लाइनिंग जो दिया गया ये स्क्वायर बार है जो दोनों साइड लगाया गया है। ये कितनी दूरी पर लगाया जाता है, जितना ये प्लेट का चौड़ाई है, ये वाला जो 5 नंबर जो प्लेट है 5 और 6 देख सकते हैं इसका जो चौड़ाई होता है उसी के लेवल में यहाँ पर ये लगता है, एकदम इसके बराबर ही लगाना है ताकि जब इसके साइड में ये साइड वाला जब हम प्लेट लगाएंगे तो आसानी से इसमें टच करके लगाया जा सके। तो बीच में सेंटर लाइन मार्किंग करके इस प्लेट को हाफ डायमेंशन मार्किंग करके और वहीं पर इसको लगाया जाता है ये स्क्वायर बार को, देख सकते हैं नीचे में ये जो रेड कलर का लाइनिंग है ये स्क्वायर बार हो गया। इसका डिजाइन मैं यहाँ पे आपको दिखा के रखा हूँ, ये स्क्वायर बार है। तो इस तरीका से यहाँ पे ये लगाने के बाद हम ये वाला प्लेट का फैब्रिकेशन कर लेंगे, जैसे यहाँ पर डिजाइन में दिखाया गया है देख सकते हैं इस तरीका से पूरा फैब्रिकेशन कर लेंगे। एक साइड प्लेट को जोड़ने के बाद इसमें दो एंगल हम लगाएंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक दो एंगल इसमें लगेगा, दोनों में हम लगा लेंगे दोनों साइड प्लेट में। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो एंगल यहाँ पे लगाया गया है ये वाला एंगल, यहाँ पे ये एंगल लगाया गया है देख सकते हैं ये एंगल यहाँ पे लगाया गया है। तो वैसे ही एंगल का दूरी जैसे ड्राइंग में दिया रहता है उतने दूरी पर एंगल लगा लेना है। और ये वाला जो आप लाइनिंग देख रहे हैं ये ज्वाइंट का लाइनिंग है, और इस तरीका से लगाने के बाद हम ये वाला प्लेट लगाएंगे, देख सकते हैं 6 नंबर और 5 नंबर जो मैं नंबर लिखा हो इस डिजाइन का प्लेट एक यहाँ पे लगेगा, उसके बाद यहाँ लगेगा, उसके बाद यहाँ लगेगा, और उसके बाद इस तरीका से हम एक एक हम लगाते जाएंगे। देख सकते हैं किस तरीका से ये लग रहा है, वैसे ही हम ये टोटल लगाते जाएंगे। तो इस तरीका से टोटल प्लेट लगाने के बाद अब इसमें हम लगाएंगे ये बाहर वाला प्लेट, जैसे उस तरफ ये प्लेट लगा हुआ है वैसे हम इस तरफ का प्लेट हम लगाएंगे। इसको मैं अब यहाँ पे कलर कर दिया ताकि आपको पता चले। अब देख सकते हैं कि ये इस साइड वाला ऐसे प्लेट ये लग गया, और बाहर में ये नीचे का जो है प्लेट निकला हुआ रहना चाहिए थोड़ा सा वेल्डिंग मारने के लिए, वो देख लेना है ड्राइंग में कि कितना इस प्लेट का चौड़ाई है। खैर चौड़ाई से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें ये प्लेट में बराबर चिपक जाना चाहिए, और उसके बाद अंदर में पूरा वेल्डिंग मार देना है। और इसमें फुल वेल्डिंग नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा छोड़ करके वेल्डिंग किया जाता है, यानी कि स्टिक वेल्डिंग होता है 100-100 mm पर छोड़ छोड़ के और 100 mm लंबा लंबा वेल्डिंग किया जाता है। तो इस तरीका से प्लेट को लगा लेना है, और लगाने के बाद उसके बाद हम ये यहाँ का साइड प्लेट इस तरीका से लगाएंगे, और उसके बाद अब इसके ऊपर का प्लेट हम लगाएंगे, और उसके बाद यहाँ का प्लेट एक लगेगा, और उसके बाद फिर यहाँ पे एक प्लेट लगेगा,
और इसके बाद ये टॉप का प्लेट लगेगा। ये लेकिन टॉप में लग रहा है लेकिन ये टॉप का नहीं, ये बॉटम में चला जाएगा। ये उल्टा रख करके इस तरीका से फैब्रिकेशन होता है। जब हम बॉटम का प्लेट लगा लेंगे तो इसको उल्टा कर लेंगे। देख सकते हैं ये पूरा फैब्रिकेशन हो चुका है। तो इसी तरीका से फैब्रिकेशन ये होता है, देख सकते हैं किस तरीका से ये हुआ है। ओवरहेड क्रेन को फैब्रिकेशन करने के लिए इसको सीधा रखा जाएगा क्योंकि इसे अभी उल्टा रख करके फैब्रिकेशन किया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सब प्लेट का यहाँ पे नंबर डाल दिया, कौन सा प्लेट कहाँ पे लगा हुआ है ये देख सकते हैं। और हमारे वेबसाइट पर आकर के पूरा डिटेल में भी देख सकते हैं। ये हमारा वेबसाइट का नाम है fittertraining.com। और आगे में मैं आपको ये फोटो में दिखा दे रहा हूँ कि ये जब बनेगा तो किस तरीका से रहेगा। देख सकते हैं कि सेम वैसे ही इसमें फैब्रिकेशन किया जा रहा है और ये दो पीस में बनाया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं ये क्रॉस यहाँ पर बनाया गया है डिजाइन, तो ये कुछ अलग डिजाइन का क्रेन है। तो लेकिन जैसे मैं बताया वैसे भी फैब्रिकेशन होता है, बहुत अलग अलग प्रकार का होता है। जिस तरह ड्रॉइंग में दिया रहेगा उसी तरीका का रहता है। जब इस तरीका का ये जो है बॉक्स जो है बन जाता है तो उसके बाद ये यहाँ पे जो लगा हुआ है ये रेडीमेड आता है। यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे ये जो लगा हुआ है इसमें जो व्हील वगैरह रहता है, मोटर रहता है, यहाँ पे जो ये लगा हुआ है सिस्टम, ये रेडीमेड आता है। यहाँ पर सिर्फ ला करके आपको इसमें फिटिंग करना रहता है और वेल्डिंग करना रहता है। और यहाँ पे ऊपर में जो ये चल रहा है मोटर जो है आगे पीछे और ऊपर नीचे होता है, वो भी सब रेडीमेड आता है। यहाँ पे ये सब जो लगाया गया है सिस्टम वो अलग से आता है। बाकी फैब्रिकेटर लोगों को जो भी फैब्रिकेशन करना रहता है जैसे मैं बताया सेम वैसे ही फैब्रिकेशन करना रहता है। बाकी सब रेडीमेड आता है और उसमें फिटिंग करना है और डायमेंशन देख लेना है कि कितने दूरी पर हमके रखना है, क्योंकि जो इसके ऊपर जो रेल लगाया गया है उसका डायमेंशन ड्रॉइंग में दिया हुआ रहेगा कि कितने दूरी पर रखना है। ये जो व्हील है, व्हील का जो सिस्टम है उसको सेटिंग करना है डायमेंशन के हिसाब से और ये कम्प्लीट हो जाता है इस तरीका से। तो देख सकते हैं ये डिजाइन है इसका, एक बार मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। ये सब मैं नंबर लिख दिया हूँ और इस तरीका का ये सब फिटिंग्स लगता है अंदर में और इस तरीका से फैब्रिकेशन किया जाएगा। अंदर में जो होता है इस तरीका से फैब्रिकेशन होता है, देख सकते हैं। इस तरीका से आपको लगाते जाना है, इस तरीका से सभी प्लेट को लगा देना है और ये कम्प्लीट हो गया। इस तरीका से बना करके आपको देना होता है। तो ये क्रेन का जो है सिस्टम तैयार हो गया। बाकी इसमें जो फैब्रिकेशन करना है वो इसको ड्राइंग के हिसाब से देखेंगे कि उसमें सिंगल इस तरीके का लगाना है या डबल लगाना है, और इसको उल्टा करके फिर रखा जाएगा और उसमें जो दोनों साइड का व्हील वाला जो सिस्टम है वो इसमें सेटिंग किया जाएगा। व्हील वाला सिस्टम को यहीं पर लगाने के लिए ये जो जगह बनता है इस तरीका से इसी पर फिट किया जाता है दोनों साइड में। इसी तरीका से आपको फैब्रिकेशन करना है। तो फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके बताइए और लाइक करिए और हमारे वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर करिए और हमारे ये चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस तरीका का नीचे लाल बटन होगा उसे आप दबा लीजिए ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे।